कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम. फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द नाइप एनएआईपी इज अ प्रोग्राम जिसमें कवर किया जाता है सभी ब्रीड्स को बोवाइन ताकि मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके लो कॉस्ट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सच प्रोग्राम विद 50% सेंट्रल असिस्टेंस फॉर अंडरटेकिंग ब्रीड इंप्रूवमेंट. इसके अंदर ब्रीड इंप्रूवमेंट किया जाता है अपने आप में लार्जेस्ट प्रोग्राम है और सेंट्रल असिस्टेंस इसमें 50% कॉम्पोनेंट रहता है. सोचिए. चलिए तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने रिलीज किया है ईयर एंड रिव्यू 2020 ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का. इस वजह से इसके बारे में न्यूज थी और नेशनल और नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम को भी मेंशन किया हुआ था न्यूज के अंदर. पूछा जा सकता है इसमें जो सेंट्रल असिस्टेंस रहती है यस नो डाउट इट इज द लार्जेस्ट सच प्रोग्राम जिसमें ब्रीड इंप्रूवमेंट की बात करी जाती है लेकिन 100% सेंट्रल असिस्टेंस इसके अंदर रहता है. इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है. एंड अगर हम बात करें नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम की तो इसमें सभी ब्रीड्स को कवर किया गया है तो यस इसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात करी गई है लो कॉस्ट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके. आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर.